खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें और सुरक्षित रहें। आप बाजार में हैं और जरा सी असावधानी आपको 15 से 20 हजार का फटका लगा सकती है। ये 15 से 20 हजार रुपए आपके मोबाइल और सोने की चैन के हो सकते हैं। दरअसल शहरों में भीड़ भरने के साथ ही अब स्नैचर्स के अलग अलग ग्रुप सक्रिय हो गए हैं। पुलिस का भी मानना है कि इनमें से अधिकतर गैंग नहीं है और यही परेशानी का कारण बना हुआ है। जयपुर शहर में अब स्नैचिंग संबंधी अपराध तेजी से बढ़ने लगे हैं। स्नैचर पलक झपकते ही वारदात कर ओझल हो रहे हैं, तो ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। कहीं आपके त्योहार से पहले स्नैचर्स का त्योहार न बन जाए और आपके त्योहार का मजा खराब न हो जाए। पुलिस इन केसेस को केस ही नहीं मानती। सबसे बड़ी परेशानी पुलिस के सामने पीड़ितों को आती है, इस कारण पुलिस इन केसेस को तो केस ही नहीं मानती। 30 से 50 हजार रुपए तक की वस्तु के छिन जाने पर भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती और सीधे गुमशुदगी में डाल देती है। इस कारण इन केसेस की जांच उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से आईपीसी सेक्शन में होनी चाहिए। इस साल के शुरुआती 8 महीने में 2020 से ज्यादा अपराध हो चुके हैं। ये वे मामले हैं जो थाने में मोबाइल स्नैचिंग के तौर पर दर्ज किए गए थे। ज्यादातर मामले पुलिस गुमशुदगी में दर्ज करती है। महंगे मोबाइल नेपाल और सस्ते मोबाइल बिहार में बेचे जाते हैं। पुलिस के अनुसार चोरी के बाद महंगे मोबाइल बिहार होते हुए नेपाल पहुंच जाते हैं, वहीं सस्ते मोबाइल बिहार झारखंड इलाके में बेचे जाते हैं। इसी के साथ सानी बाजार में भी इनकी मांग है। कुछ मोबाइल रिपेयर करने वाले इनके सामान निकालकर उपयोग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वारदातें एसएमएस अस्पताल के पीछे, गांधीनगर बाजार, बजाज नगर, मालवीय नगर, खो नागोरिया, मोती डूंगरी, जवाहर सर्किल, प्रताप नगर इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की ज्यादा वारदातें होती है। इन इलाके में सुबह शाम वॉक करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इसी के साथ सुनसान सड़कों का फायदा उठाकर मोबाइल स्नैचर उठाते हैं।